हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान और पैसा। मेरा नाम समर शर्मा है और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पैसिव इनकम के बारे में। यार पैसिव इनकम एक बहुत कॉमन टॉपिक है, बट कॉमन टॉपिक होने के साथ साथ ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे बहुत सारे लोग अभी जानते ही नहीं, उनको पता ही नहीं है पैसिव इनकम क्या होता है। सो मैंने डिसाइड किया कि पैसिव इनकम पे मैं कंप्लीट 2 से 3 वीडियोस बनाने वाला हूं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पैसिव इनकम क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैसिव इनकम कितने तरीकों से जनरेट किया जा सकता है, क्या क्या तरीके हैं जिससे हम पैसिव इनकम ऑन कर सकते हैं और पहले ही महीने से पैसिव इनकम ऑन कर सकते हैं। देखो, पैसिव इनकम के बारे में आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। अगर आप एक नेटवर्कर हैं, अफिलिएट मार्केटर हैं या कोई बिजनेस करते हैं तो आपको जरूर पता होगा पैसिव इनकम क्या होता है। बट मैं चाहता हूं कि आप और अच्छे से इस वीडियो के थ्रू आप क्या करो कि आप यंगस्टर्स को टारगेट करो, आप यंगस्टर्स को बताओ, उनको पता होना चाहिए पैसिव इनकम क्या है। सो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए होने वाली जिनकी एज 16 से लेकर 30 के बीच में है। अब स्पेशल कारण क्या है वो आगे आपको पता लग जाएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं यंगस्टर्स को कुछ दे पाऊं। मैंने 19 साल की एज में अपना फर्स्ट बिजनेस स्टार्ट किया था और आज मैं करीब 22 साल का होने वाला हूं। तो करीब मेरे को 3 साल होने वाले हैं बिजनेसेस में और करीब मैं 3 बिजनेस का एक्सपीरियंस ले चुका हूं। बट बहुत सारे यंगस्टर्स उनके दिमाग में अभी भी ये रहता है कि जब वो 25 साल के हो जाएंगे, जब वो पढ़ाई कंप्लीट कर लेंगे, तब वो पैसा कमाने के बारे में सोचेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर 16 साल के भी हो, वो जमाना गया कि 25 साल के बाद लोगों का करियर बना करता था। अब 16 साल के और 17-18 अगर आप स्कूल में भी पढ़ रहे हो, आप पैसा कमा सकते हो, आप बिजनेस भी अपना स्टार्ट कर सकते हो, उसके साथ साथ में पैसिव इनकम भी जनरेट कर सकते हो। सो आज की इस वीडियो में बस इतना आप जान लो कि पैसिव इनकम क्या है। बाकी आप नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखना, उसमें मैं बताने वाला हूँ कितने तरीकों से आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। और सबसे पहले मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूंगा कि पिछले जितने भी वीडियोस मैंने बनाई सेल्स के ऊपर, क्लोजिंग के ऊपर, उन वीडियोस को आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया है। मेरे से व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोगों ने पर्सनली कनेक्ट भी किया, सो थैंक यू वेरी मच। और कई लोगों ने मेरे को फॉलोअप पे बोला वीडियो बनाने के लिए, 2-3 मैं वीडियो पैसिव इनकम पे बना लूं, उसके बाद मैं आप लोगों को फॉलोअप के ऊपर भी जरूर वीडियो बताऊंगा कि कैसे आप फॉलोअप करके अपनी सेल को क्लोज कर सकते हो और अच्छे से ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट ले सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, पैसिव इनकम को क्लियर करने से पहले 2-3 बातें मैं आप लोगों से क्लियर करना चाहूंगा। तो सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा 2 तरह की इनकम होती है, लोग 2 तरीके से पैसे कमाते हैं। एक होता है एक्टिव इनकम, एक होता है पैसिव इनकम। कई बार इसे बहुत सारे ट्रेनर्स, बहुत सारे लोग इसे लीनियर इनकम और लेवरेज इनकम भी बोलते हैं। ठीक है, देखो तो अब ये एक्टिव इनकम के बारे में तो सभी सिखाते हैं एक्टिव इनकम। अभी तक जब तक आप स्कूल में जितनी आपने पढ़ाई करी है, जब अगर आप कॉलेज में भी पढ़ रहे हैं, तो कोई भी आपको पैसिव इनकम के बारे में नहीं बताता है। सारे लोग, सभी लोग आपको एक्टिव इनकम के बारे में बता रहे हो। 95% लोग इस दुनिया के वो एक्टिव इनकम ही कमा रहे हैं, सिर्फ 5% लोग हैं जो पैसिव इनकम कमा रहे हैं। अभी रेशियो धीरे धीरे बढ़ रहा है क्योंकि अब धीरे धीरे लोग अवेयर हो रहे हैं पैसिव इनकम के बारे में, बिजनेस के बारे में, लोग अपना स्टार्टअप कर रहे हैं तो लोगों को पता लग रहा है धीरे धीरे पैसिव इनकम के बारे में। आज से 4 साल पहले जब मैंने अपनी 12th कंप्लीट करी थी 2017 में, तो मैं एक बहुत अच्छा स्टूडेंट था, मुझे पढ़ने का बहुत बहुत ज्यादा शौक था। मैंने इतनी साल पढ़ाई करी, हालांकि मैंने अपना कॉलेज कंप्लीट नहीं किया, मैं बहुत बार बताता हूँ, बट मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि मैंने इतनी पढ़ाई करने के बाद भी अपने पढ़ाई की इतनी स्टूडेंट लाइफ में मैंने आज तक किसी से सुना ही नहीं कि पैसिव इनकम के बारे में कोई बात करता हो। कोई टीचर बात ही नहीं करता कि पैसिव इनकम कैसे कमाना है, अपना खुद का स्टार्टअप कैसे बिल्ड करना है, खुद का बिजनेस। ये वो चीजें होती हैं जो स्कूल, कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी आपको नहीं बताता है। ठीक है, तो आपको पैसिव इनकम समझना यार बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं सच बताऊं तो 95% अगर मैं बता रहा हूँ 95% लोग एक्टिव इनकम कमा रहे हैं, तो इसमें बड़े बड़े प्रोफेशन आ जाते हैं। मैं सिर्फ स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने एक वीडियो 4 क्वाड्रेंट फॉर्मूला के ऊपर बताया था, उसमें बताया था 4 तरीकों से लोग पैसा कमा रहे हैं, एम्प्लॉय बनके, सेल्फ एम्प्लॉय बनके, बिजनेस करके और एज ए इन्वेस्टर लोग पैसा कमाते हैं। 95% लोग कैटेगरी ई में और एससी में, मतलब एम्प्लॉय बनके या सेल्फ एम्प्लॉय बनके वो लोग पैसा कमा रहे हैं, तो कैटेगरी ई और कैटेगरी एस में होते हैं। अब कैटेगरी ई वाले तो ऑब्वियस सी बात है जॉब वाले, उनको तो खैर एक्टिव इनकम ही मिलती है। सेल्फ एम्प्लॉय जो डॉक्टर होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं और जो इंजीनियर्स होते हैं, जो लॉयर्स होते हैं, बड़े जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, जो अपने ऊपर भरोसा रख के, जिन्हें लगता है कि नहीं भाई मैं अपने ऊपर कॉन्फिडेंट है, मैं अपने टैलेंट से कमाऊंगा, अपने नॉलेज से, अपनी पढ़ाई जो मैंने की उससे मैं कमाऊंगा, तो वो लोग भी पैसिव इनकम नहीं कमा पाते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि उनकी मंथली सैलरी 5 लाख 10 लाख हो सकती है, बट वो लोग पैसिव इनकम नहीं कमाते हैं। बट हाँ, अब क्या हो रहा है कि अब लोग सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की तरफ बढ़ रहे हैं। अब कई सारे डॉक्टर्स भी आपको ऐसे मिलेंगे जो डॉक्टर हैं, बट उसके साथ साथ में उनका बिजनेस चल रहा है, बिजनेस मॉडल उनका रन कर रहा है, तो वहां से पैसिव इनकम आता है, वो अलग बात है। बट हाँ, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पैसिव इनकम के बारे में नहीं पता है। ठीक है, तो एक्टिव इनकम सबसे पहले मैं आपको क्लियर करता हूँ। एक्टिव इनकम वो इनकम होती है, अब नाम से आप समझ सकते हो, यानी कि जो एक्टिव रह के आपको पैसा आता है उसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। यानी कि जब तक आप काम करोगे तब तक आपको पैसा आएगा, जिस दिन आपने काम करना बंद कर दिया उस दिन आपको पैसा नहीं आएगा। दिस इज पैसिव इनकम, सॉरी
दिस इज एक्टिव इनकम। कहने का मतलब जब तक आप एक्टिव है कि काम कर रहे हो, जब तक आपकी शटर उठ रही है ठीक है, तब तक आपको पैसा आ रहा है। जिस दिन शटर पे ताला लग गया, जिस दिन आप काम नहीं कर पा रहे किसी रीजन से, उस दिन आपको पैसा नहीं आ रहा है। दिस इज एक्टिव इनकम। कहने का मतलब जब तक आप एक्टिव है कि काम कर रहे हो, जब तक आपकी शटर उठ रही है ठीक है, तब तक आपको पैसा आ रहा है। जिस दिन शटर पे ताला लग गया, जिस दिन आप काम नहीं कर पा रहे किसी रीजन से, उस दिन आपको पैसा नहीं आ रहा है, तो इसको हम एक्टिव इनकम बोलते हैं। अब पैसिव इनकम की बात करें तो पैसिव इनकम को मैं एक लाइन में हमेशा समझाता हूं लोगों को, इफ यू आर जनरेटिंग द मनी व्हाइल यू आर स्लीपिंग दैट मींस यू आर अर्निंग द पैसिव इनकम। कहने का मतलब ये है कि अगर आप सोते सोते भी पैसा कमा रहे हो, आप काम नहीं कर रहे तो भी आपको पैसा आ रहा है, इसको हम बोलते हैं पैसिव इनकम। और पैसिव इनकम बहुत तरीकों से कमाया जाता है। पैसिव इनकम को रॉयल्टी इनकम भी आप बोल सकते हो। आप एज ए लीगेसी अपने आने वाली जनरेशन के लिए जो पैसा छोड़ के जाते हो, आप नहीं हो उसके बावजूद भी आपको पैसा आ रहा है, वो पैसिव इनकम, वो रॉयल्टी इनकम होती है। ये जानना आप लोगों को बहुत जरूरी है और इसको जनरेट करना भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पार्ट में जरूर बताऊंगा मैं आप लोगों को कि कितने तरीकों से आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो, कितने तरीकों से आप पैसिव इनकम कमा सकते हो। देखो पैसिव इनकम समझने के लिए और दो तीन एग्जांपल मैं आपको देता हूं। पैसिव इनकम वो लोग अच्छे से कमा पाते हैं जिनके पास अपना एक नेटवर्क होता है, तो जिनके पास अपना वो देखो तो पैसिव इनकम में सिंपल सी चीज है कि नौकरी में अगर आप 40 साल मेहनत कर रहे हो, ऑब्वियस बात है नौकरी आप बहुत सारे लोग हैं जो 40 साल 50 साल नौकरी करते हैं उसके बाद भी अच्छी सी लाइफ नहीं जी पाते हैं, तो सिंपल सा मतलब है पैसिव इनकम में आप मेहनत तो लगती है, एक बार की आपकी मेहनत लगेगी बट आपको बार बार मेहनत नहीं करना पड़ेगा, रिजल्ट जो है आपको बार बार मिलेगा। यानी कि जो मेहनत आप नौकरी में 40 साल करते हो उतनी मेहनत आपको 4 साल में करनी पड़ती है पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए। बट अब तो और भी आसान आसान तरीके आ गए हैं जिससे कि आप एक महीने के अंदर भी पैसिव इनकम जनरेट करते हो, बट आप कंपाउंडिंग रिजल्ट चाहते हो तो उसके लिए आपको इतना टाइम लगता है। किसी भी बिजनेस में, किसी भी बिजनेस के थ्रू आप अगर पैसा अर्न करना चाहते हो तो आपको मतलब थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। अभी सिंपल सा मैं एग्जांपल आपको समझाता हूँ। ये मैं जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग की ट्रेनिंग देता हूँ अपनी, उसमें भी ये मैं बहुत बार बताता हूँ कि पैसिव इनकम एक आम के पेड़ की तरह है। यू नो आम का पेड़ आपको पता है कि 6 महीने में कभी फल नहीं देगा या 1 साल में फल नहीं देता, उसको 2-3 साल तो लगते ही लगते हैं, कई बार 4 साल भी लग जाते हैं। बट एक बार ऑब्वियस बात है जब आप आम का पेड़ लगाओगे, पौधा लगाओगे, धीरे धीरे बड़ा होगा, उसमें टाइम लगेगा, बट अगर उसको आपने ठीक से उस पर मेहनत कर दी, ठीक से उसे सींचा, ठीक से उसे पाला, ठीक से नर्चर किया, तो आने वाले टाइम में 200 से ज्यादा साल आपको वो फल देने वाला है। तो आम के पेड़ की तरह ही पैसिव इनकम होता है। आप एक बार मेहनत करते हो और बार 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 रिजल्ट लेते हो, इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। अब देखो ये जितने बड़े बड़े हमारे देश के एंटरप्रेन्योर्स हैं वो लोग क्या कर रहे हैं। अंबानी का मैं बहुत बार एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारे लीडर्स अंबानी का एग्जांपल देते हैं, वो इसलिए कि जब से जियो आया, आपको पता है कि जियो ने 60% से ज्यादा मार्केट कैप्चर कर लिया। अभी अंबानी जी ने जियो के प्रोसेस में 2.5 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया। सोचो कितनी साल मेहनत करी उन्होंने, उनकी अभी तो मेरे ख्याल से जियो का आए 5-6 साल हो चुके हैं, बट उनकी कितने और भी उनको मतलब कितना साल लगा होगा उन्होंने मेहनत किया होगा। तो उन्होंने एक बार मेहनत कर ली अपने 2.5 लाख करोड़ अपने जीवन की जितनी कमाई थी, ऑब्वियस बात है मतलब उसका 50% उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। अब इतना उन्होंने देखो इन्वेस्ट करने के बाद उनको पता था कि एक बार मेरा काम सेट हो जाए ना, एक बार मैंने नेटवर्क बिठा दिया, एक बार अपने पाइपलाइन बिछा दिया, तो मेरे को लाइफ टाइम पैसा आने वाला, और वही हुआ। अब देखो क्या अंबानी जी को बोलने की जरूरत पड़ती है कि आप जियो का रिचार्ज कराओ। और सच बताऊं तो आज के टाइम पे एक घर में अगर 3-4 फोन है तो उसमें 2 सिम तो जियो की होती है, ये गारंटेड है ठीक है, ये होता है। मेरे घर में भी अगर बात करूं तो 2 से ज्यादा लोग जियो यूज करते हैं, तो ये आप सोचो आप ऑटोमेटिक लोग रिचार्ज करते हैं, उनके पास पैसा जा रहा है। आप सोचो आप कि आज के टाइम पे अगर अंबानी जी ना रहे तो क्या उनके पास पैसा नहीं जाएगा, तो भी उनके पास पैसा जाएगा। ये पैसिव इनकम की पावर होती है। और सेम ऐसा अडानी जी भी कर रहे हैं। अभी न्यू दिल्ली में क्या हो रहा है कि अब एलपीजी सिलेंडर्स हट रहे हैं, अब पाइपलाइन आ रही है ठीक है। अब आपके सिटी में भी अगर आप दिल्ली के बाहर रहते हो तो वहां भी देखना कुछ टाइम बाद आने लग जाएगा ये। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, ये अपना पाइपलाइन बिछा रहे हैं, बाल्टी भरने में नहीं लगे हुए ये लोग की बाल्टी भर भर के ला रही है, ये लोग पाइपलाइन बिछा रहे हैं। पाइपलाइन बिछाने में एक बार मेहनत लगती है बट उससे रिजल्ट आने वाले 100-200 साल से ज्यादा, ये होता है पैसिव इनकम, ये होती है पैसिव इनकम की पावर। सो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे पैसिव इनकम की पावर क्या होती है। सो आप लोग भी कोशिश करो कि पैसिव इनकम को समझने की और ज्यादा। और मैं आप लोगों को एक बुक सजेस्ट करूंगा, द पैराबल ऑफ पाइपलाइन, इसको पढ़ना, आपको पैसिव इनकम पूरा क्लियर हो जाएगा और काफी हद तक बात आपको मेरी वीडियो से भी क्लियर हो चुकी होगी। और मैं चाहूंगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखना, उसमें 10 टाइप मैं बताने वाला हूं आपको जिससे आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। और आज के टाइम में देखो मैं हमेशा वही चीज बताता हूं जो मैं खुद कर रहा हूं, और मेरे को पैसिव इनकम आता है, मेरे को डेली बेसिस पे पैसिव इनकम आता है। और अगर आपको मेरी पैसिव इनकम का अंदाजा लगाना है तो मैं बस आपको इतना बता देता हूँ। अब ये तो इनकम बहुत बड़े बहुत बड़े अमाउंट पे मेरे को पैसिव इनकम आ रहा है, बट इतना आ रहा है कि एक नॉर्मल बंदा जो नौकरी से कमाता है उतना मेरे को पैसिव इनकम आ जाता है बिना कुछ किए।
कई बार मैं वीडियो शूट कर रहा होता हूँ तो और जाके देखता हूँ, दो तीन मेल आया होता है जो मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ कि वहां से मेरी टीम ने काम किया तो मेरे को वहां से बोनस मिला, मेरे को पैसिव इनकम आया। सो मैं पैसिव इनकम एंजॉय कर रहा हूँ, वो तरीका आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूंगा कैसे आप डेली बेसिस पे, ऐसा नहीं कि अभी आ गया फिर 20 दिन बाद आया फिर 25 दिन बाद आया, नहीं डेली बेसिस पे मेरे को पैसिव इनकम आ रहा है। सो वो सारे तरीके वो सारे सीक्रेट्स आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।